जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, मैं विराट चौधरी और स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल कमांडो एकेडमी में। दोस्तों आज का वीडियो स्पेशली मैं बना रहा हूँ जो आर्मी, सीआरपीएफ, बीएसएफ, आईटीबीपी या इन सभी की लड़के या लड़कियाँ किसी के भी जो ट्रेनिंग होता है, जो ट्रेनिंग का जो शेड्यूल होता है वो क्या होता है। दोस्तों ये पूरा का पूरा वीडियो आपकी जो ट्रेनिंग शेड्यूल है उस ट्रेनिंग शेड्यूल में क्या होगा, सुबह से शाम तक की पूरी जो दिनचर्या आपकी क्या होने वाली है उसके ऊपर ये वीडियो दोस्तों, कि जो ट्रेनिंग की आपकी जो दिनचर्या होगी दैनिक वो क्या क्या होगी ए टू जेड तक। तो वीडियो में बने रहिए। साथ ही मेरा जो दूसरा यूट्यूब चैनल फौजी मैथ अकेडमी जिसपे मैं मैथ और रीजनिंग की क्लास शुरू कर दी हूँ दोस्तों, उसका लिंक ऊपर डिस्क्रिप्शन में सबसे ऊपर है, आप जाके देख सकते हो। अब बात करें कि आपकी जो दैनिक दिनचर्या होगी ट्रेनिंग के दौरान वो क्या होगी। शुरुआती पहले महीने की या पहले तीन महीने की जो मैं आपको दिनचर्या बता रहा हूँ वो आप पहले तीन महीनों की दिनचर्या समझ लीजिए, क्योंकि पहले जो तीन महीने होते हैं आपकी ट्रेनिंग के वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, और साथ ही उन तीन महीनों में जो प्रक्रिया होती है वो सेम होती है, उनमें ज़्यादा चेंजेस नहीं होते। लेकिन हाँ, तीन महीने की ट्रेनिंग के बाद में फिर चेंजिंग हो जाते हैं। तो उन तीन महीनों की आप जो मैं बता रहा हूँ दैनिक दिनचर्या, ये मान के चलिए कि आपके जो पहले तीन महीने होने वाले उनमें यही दिनचर्या चलने वाली है। सुबह सभी ट्रेनिंग सेंटरों में अलग अलग टाइम होता है, ज़रूर नहीं फिक्स सुबह 4 बजे उठना है, कईयों में 4, कईयों में 4:30, कईयों में 5 बजे, क्योंकि जो फालन का टाइम होता है, जो सुबह मार्के का टाइम होता है वो कहीं 5 बजे का होता है, कहीं 5:30 बजे का, कहीं 6 बजे का भी होता है। जैसे श्रीनगर अगर किसी का ट्रेनिंग सेंटर आएगा तो वहाँ पर 6 बजे ही होता है, क्योंकि आपको पता है श्रीनगर में कितनी ठंड होती है, दिन वहाँ पर थोड़ा सा लेट खुलता है, तो वहाँ पर ट्रेनिंग में जो टाइम होता है सुबह का वो थोड़ा सा अलग होता है। बाकी ज़्यादातर जगहों में 5 बजे का सुबह होता है, तो आपको मतलब 4 बजे सुबह उठना पड़ता है। 4 बजे उठ के फ्रेश व्रेश होके आपका जो दातन में ब्रश करके शेविंग वेविंग करके चकाचक, और ग्राउंड में आपको वर्दी पहन के, यानी जो भी आपकी पीटी ड्रेस रहती है नॉर्मल, उसमें ग्राउंड में जो मार्का ग्राउंड होता है जहाँ पर सभी एकत्रित होते हैं सुबह के टाइम में, वहाँ एकत्रित होना है। उसके बाद वहाँ से आपकी जो सुबह की जो पीटी होती है फिजिकल एक्सरसाइज वो स्टार्ट होती है दोस्तों। तो 2 पीरियड वो होती है, कई बार योगा होता है, किसी दिन फिजिकल एक्सरसाइज में जैसे BOC या रनिंग टेस्ट ज़्यादा होता है, किसी दिन फिजिकल एक्सरसाइज ज़्यादा होती है, अलग अलग प्रकार की सर्कल पीटी होती है, सब अलग अलग प्रकार की, हर दिन अलग अलग होता है। योगा भी होता है, एक दिन सप्ते में एक दिन योगा का भी पीरियड होता है, वो 2 पीरियड। तो उसके बाद में मान लो अगर आपके 5 बजे से 5 बजे वहाँ पर मार्का लगता है, तो फिर 5 से 5:30 तक मार्का चलता है, 5:30 से 7:30 बजे तक आपका जो फिजिकल एक्सरसाइज है वो चलती है दो घंटे या मान लो 1 घंटा 40 मिनट 50 मिनट के आसपास, ये आपकी फिजिकल एक्सरसाइज चलती है। उसमें आपकी रनिंग होगी डेली, जो जोक रनिंग होती है, यानी ग्रुप जो रनिंग होती है, नॉर्मल जो रनिंग होती है वो रनिंग होगी। तो वो कई बार ये क्वेश्चन आते हैं कि सर कितनी रनिंग होगी, कितनी, जो टेस्ट के अलावा बाकी जो नॉर्मल आपकी रनिंग होती है वो डेली में मान के चलिए 2 से 3 किलोमीटर या 4 या 5 किलोमीटर होती है, 5 किलोमीटर से ज़्यादा नहीं होती, 5 किलोमीटर। और अब आपको घबराना नहीं कि 5 किलोमीटर है ट्रेनिंग में, 5 किलोमीटर रनिंग आपको बिल्कुल कॉमन रनिंग लगेगी, क्योंकि बिल्कुल ग्रुप में दौड़ना, और धीरे 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 आपके इंस्ट्रक्टर उस्ताद जो रहते हैं वो भी आपके साथ 5 किलोमीटर रनिंग करते हैं। तो 5 किलोमीटर रनिंग कोई ज़्यादा नहीं होती, हम भी यहाँ पर अभी भी डेली 5 किलोमीटर रनिंग शाम को दौड़ते हैं, सुबह में ज़्यादा दौड़ते हैं, शाम को हम 5 किलोमीटर रनिंग यहाँ पर अभी भी करते हैं। तो 5 किलोमीटर रनिंग होती है, और सप्ते में एक दिन टाइमिंग से होती है, बाकी जो सप्ते के 5 दिन हैं यानी 6 संडे तो ऑफ रहता है, ये 5 दिन सप्ते में एक ही टाइप का होता है, मतलब नॉर्मल जॉगिंग होती है। सप्ते में एक दिन सैटरडे को आपकी टाइमिंग से रनिंग होती है, जिसमें आपको फिक्स टाइमिंग में आना रहता है, तो वो टाइमिंग रनिंग होती है, वो भी अब घबराने की जरूरत नहीं है कि बहुत ज़्यादा होती है। तो फिजिकल एक्सरसाइज ये शुरू होती है, उसमें बीम वीम हो गया, रस्सा वस्सा चढ़ना, ये आपको सिखाते हैं, और जो आपका शरीर के लिए जो भी मजबूती होती है वो सभी काम करते हैं। इसके बाद में 7:30 या 8 बजे के आसपास में आपका जो लंच ब्रेक होता है, सुबह का ब्रेकफास्ट ब्रेक, लंच नहीं, ब्रेकफास्ट का जो ब्रेक होता है वो 1 घंटे के आसपास का होता है, जिसमें आप नाश्ता करते हो, अपनी जो वर्दी जो पहन के आते हो पीटी ड्रेस उसको चेंज करके नहाना धोना करते हो, और चेंज चूंज करके फिर जो ग्राउंड में जो ड्रेस पहन के जाते हो ड्रिल के लिए, मतलब जो परेड आपको सिखाई जाती है, कदम ताल उदम ताल, जो परेड आपको दाएँ मुड़ बाएँ मुड़ आप वीडियो देखते हैं, इसके लिए जो ड्रेस पहन के जाते हो, बेल्ट टोपी केप वेप लगा के ये सभी ये पहन के जाते हो, तो ये ड्रेस, फिर ये ड्रेस पहन के जाते हो, फिर इसमें आपका ट्रेनिंग चलती है, फिर 9 से 12 बजे तक, 12 या 12:30 बजे तक के आसपास का टाइम रहता है। इसमें आपको मतलब ड्रिल के ही पीरियड होते हैं सारे, ज़्यादातर पीरियड ये आपके फर्स्ट 1 महीने में तो ज़्यादातर पीरियड ड्रिल के ही होंगे, अगर बीच में अगर कोई 1-2 पीरियड होगा तो वो होगा वेपन का, मतलब हथियार चलाना जो आपको सिखाया जाता है उसका पीरियड होगा, उसके अलावा और कोई पीरियड नहीं होते हैं। तो वो नॉर्मल
वो चलता है। उसके बाद में 12:30 बजे से फिर आपका 2:30 बजे तक 2 घंटे या 3 घंटे का, 2 या 2.5 घंटे का, कभी 12 बजे से कभी 12:30 बजे से ये ऑफ रहता है आपका लंच ब्रेक, इसमें आप खाना वाना खाते हो, थोड़ा सा आराम कर लेते हो, रेस्ट कर लेते हो। उसके बाद में 2:30 बजे फिर वापस आपको ग्राउंड की तरफ चल देना है। फिर वापस वही ड्रेस जो आपकी शाम को भी ड्रिल होती है, पहले महीने में ज़्यादातर ड्रिल ही होती है, एक दो करते रहोगे, पैर नींद में भी पैर एक दो करते रहेंगे, इतनी ड्रिल चलती है क्योंकि पूरे दिन परेड ही दाएँ मुड़ बाएँ मुड़, रात को नींद में भी ये चलेगा। अगर ध्यान रखना ये 100% में एक चीज़ बता, आप घर पे बात करते करते जो सो जाएगा ना, उसके जो सामने वाला है ना वो पक्का सुनेगा, उसके मुँह से दाएँ दाएँ मुड़ बाएँ मुड़ दाएँ मुड़ बाएँ मुड़ ये सभी बोलेंगे नींद में, ठीक है। तो उसके बाद में आपको जो शाम की टाइम होती है वो नॉर्मल 2 पीरियड ड्रिल होती है, उसके बाद में 1 पीरियड आपका गेम का आ जाता है, फिर गेम में हो जाता है, उसके बाद में छोटा मोटा काम, और फिर 6 बजे के आसपास परेड ऑफ हो जाती है, 6 या 6:30 बजे के आसपास परेड ऑफ हो जाती है। तो ये आपकी जो दैनिक दिनचर्या रहने वाली है पहले 3 महीनों में, उसमें यही ज़्यादा कुछ जो रहने वाला है यही। 3 महीने के बाद में आपकी जो ड्रिल है वो ड्रिल ख़त्म हो जाएगी, मतलब फिर ड्रिल के पीरियड रहेंगे 1 या 2 पूरे दिन में, यानी जो परेड गए फिर 3 महीने बाद में परेड के पीरियड ख़त्म हो जाते हैं, उसकी जगह आ जाते हैं वेपन के। फिर आपको हथियार चलाना सिखाया जाता है, फिर आपकी हथियारों की फायरिंग भी होती है, पहली बार फायरिंग करोगे तो कैसा लगेगा ये भी बहुतों ने पूछा कि हमारी पहली फायरिंग कब होगी, 3 या 4 महीने के बाद में आपकी फर्स्ट फायरिंग हो जाएगी। फायरिंग रेंज में आप जाओगे कि आप फायरिंग करने, तो पहला एक्सपीरियंस बहुत ख़तरनाक रहता है, आपको लगेगा कि पता नहीं कैसे गोलियाँ चलेगी, पर सट से चलेगी गोलियाँ, धड़ 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 धड़। आपको घबराने की जरूरत नहीं है, आपको वेपन की ट्रेनिंग फिर शुरू होती है। तो फिर टाइमिंग तो यही रहता है, पूरा शेड्यूल यही रहता है, लेकिन फ़र्क ये हो जाता है जो ड्रिल के जो आपके पीरियड के टाइम होते हैं वो टाइम हो जाते हैं चेंज। उसके बाद में क्या होता है जो पीटी की एक्सरसाइज होती है उसमें भी काफ़ी बदलाव हो जाता है, उसमें क्या हो जाता है फिर आपका शरीर फिजिकली तौर पर तैयार हो जाता है, फिर आपके कंधों पर थोड़ा सा वेट आ जाता है, 5 kg, 3 kg, 2 kg सुबह की रनिंग में 5 kg वेट विथ राइफल, फिर रनिंग होती है आपकी, फिर कील वो जंगल शूज़ के साथ में, फिर शूज़ भी चेंज हो, पहले स्पोर्ट्स शूज़ रहते हैं, फिर शूज़ चेंज होकर जंगल शूज़ आ जाते हैं, फिर जंगल शूज़ के साथ में आपकी पूरी कॉम्बैट ड्रेस आ जाएगी, कॉम्बैट ड्रेस के साथ में पिट्ठू वाटर बॉटल जो कमर पर बांधने वाले वाटर बॉटल, पिट्ठू टोपी और हथियार, फिर इसके साथ में आपकी रनिंग शुरू होगी 3 महीने बाद, फिर फिजिकल एक्सरसाइज थोड़ा सा अपना जोर पकड़ लेगी, ठीक है। फिर आपका शरीर क्योंकि ढल जाएगा इस डरे में तो आपको ज़्यादा प्रॉब्लम है, फिर जो रस्से वस्से का जो मैंने वीडियो बना रखा है कैसे रस्से करते हैं ये वो, तो फिर आपकी रस्से कसी शुरू हो जाएगी, फिर आगे की जो ट्रेनिंग होती है फिर इसमें आपको BOC सिखाते हैं, जो मार्शल आर्ट जिसको बोलते हैं, BOC के पीरियड शुरू हो जाते हैं, BOC ज़्यादा से ज़्यादा, फिर ये सिखाते हैं आपकी जो PT है उसका 12वीं के टेस्ट के बाद में ये सब शुरू हो जाता है दोस्तों। तो फिजिकल एक्सरसाइज में ये आ जाता है, उसके बाद का जो आपका जो लंच का टाइम डिनर का टाइम ये सेम ही रहता है, इसमें ज़्यादा फ़र्क नहीं होता। हाँ फिर आपकी नाइट एक्सरसाइज भी शुरू हो जाती है, लेकिन नाइट एक्सरसाइज आपकी अभी शुरू नहीं होगी, जब ड्रिल चलती रहेगी तो फिर नाइट में भी एक दो क्लास ड्रिल की चलती रहेगी आपको, नाइट में भी जिसको इंडिविजुअल प्रैक्टिस बोलते हैं IP इंडिविजुअल प्रैक्टिस, जो नाइट में भी आपकी क्लास चलेगी, 6 बजे आप आओगे, 6 बजे से खाना वाना खा के 7-8 बजे के बाद में फिर वापस आपकी 1 घंटे मतलब IP चलेगी, इंडिविजुअल प्रैक्टिस चलेगी, तो वो भी होता है, पहले 3 महीने में भी होता है, वो तो चलता रहेगा पूरी साल में, कभी ना कभी चलता ही रहेगा, कभी 20 दिन चलेगा, कभी 25 दिन चलता रहेगा, जिस चीज़ में आप कमी रहोगे उसी चीज़ लिए वो हो जाएगा, ठीक है। फिर आपकी रनिंग में थोड़ा सा वेट डाल देंगे और फिर आपकी रनिंग रनिंग तो मजबूत हो ही जाएगी, तो ये ऐसा बाकी जो सेम रहेगा, फिर आपकी हथियार की क्लासेस शुरू हो जाएगी और वेपन वेपन की ट्रेनिंग शुरू हो जाएगी दोस्तों। तो इस प्रकार से आपके ट्रेनिंग का पूरा शेड्यूल रहने वाला है, फिर ये सब खत्म होके और आप जब घर जाओगे पहले वाल मीटरम, तो उससे पहले फायरिंग कर लोगे। ये बहुतों का क्वेश्चन रहता है कि हमको फायरिंग करने का मौका कब मिलेगा, तो मैं बता दूं आपको, मतलब आप मिडटर्म जब छुट्टी जाओगे उससे पहले आपकी फायरिंग एक बार हो जाएगी, 1-2 बार आपकी फायरिंग करने का मौका ज़रूर मिल जाएगा, चाहे आप कोई से भी ट्रेनिंग सेंटर हो, चाहे लड़का लड़की, सभी के जो ट्रेनिंग शेड्यूल होता है वो सेम ही होता है, इसमें कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं होता है। एक चीज़ और बता दूँ मैं अपनी तरफ से, तो आप ये मान के चलना जब आप शुरुआत में घर से जाएँ तो स्पोर्ट्स शूज़ थोड़ा अच्छा ले लें, लेकिन हाँ घर से आप कौन से कलर के स्पोर्ट्स शूज़ लोगे वो पहले डिसाइड ना करें। कई बार ट्रेनिंग सेंटरों में वाइट शूज़ चलते हैं, कई जगह ब्राउन शूज़ चलते हैं, तो ज़्यादा अच्छे ये नहीं कि आप 4-5 हज़ार के जूते पहले ले लो, नहीं, ट्रेनिंग सेंटर में पहुंचने के बाद में वहाँ पर कौन सा शूज़ का आपको बोला जाता उसके बाद में वो स्पोर्ट्स शूज़ आप फ्लिपकार्ट या अमेजन से ऑर्डर कर लेना, ताकि आपके लिए बेटर रहेगा, क्योंकि कई लोग क्या होंगे यहाँ घर से ले लेंगे अच्छा स्पोर्ट्स शूज़, तो घर से एक बार नॉर्मल शूज़ ले लेना, हाँ थोड़ा तो अच्छा ले लेना, मतलब 1000-1200 रुपये का नॉर्मल शूज़ अच्छा सा ले लेना, वो आपको क्या करेगा ट्रेनिंग सेंटर तक पहुंचने के लिए, फिर वहाँ पर आपको वाइट शूज़ बोलते हैं सुबह PT के लिए, तो फिर आप अच्छा सा वाइट शूज़ रिबॉक का या पूमा का अच्छा सा वाइट शूज़ एडिडास का को अच्छा लेना, ताकि आपका पैर ख़राब नहीं हो,
ठीक है, ये और सॉक्स अच्छे से जोकी ओकी के सॉक्स लेना ताकि ये ख़राब नहीं होते, यही पहनना ज़्यादातर ट्रेनिंग में, थोड़े से पैसे खर्च करना ट्रेनिंग में ताकि प्रॉब्लम ना हो। फिर जंगल शूज की जब टाइम आता तो लिबर्टी का जंगल शूज ही लेना, आपको ट्रेनिंग में वहाँ बताया जाएगा। लेकिन हाँ फिर भी बता रहा हूँ मैं आपको कि जब जंगल शूज़ आपकी होगी रनिंग तो जो आपको लिबर्टी का शूज़ आता है वो बहुत अच्छा शूज़ आता है, उसमें पैर ख़राब नहीं होता, तो वो शूज़ लेना, ये मेरी तरफ से आपको एडवाइज़ है। और ये पक्का लेना आप, जो शूज़ है रनिंग के लिए ट्रेनिंग ग्राउंड में जाते हैं जब ट्रेनिंग का टाइम शुरू हो तब शुरू से ले लेना, ताकि वो पूरे साल आपका चलता रहेगा और वो अच्छा भी रहेगा, कभी बाहर भी संडे को आउट भी जाओगे तो भी वो शूज़ आपके लिए अच्छा रहेगा, दोनों काम करेगा। ठीक है दोस्तों, तो ये आपके ट्रेनिंग का शेड्यूल रहने वाला है। जय हिंद जय भारत।